क्योंकि राजीव जी शीर्षासन भी करते नजर आ रहे हैं। घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे, हाँ ऐसे ऐसे करिए, यहाँ पहले ऐसे करेंगे। आजी आ जाइए वापिस, चलिए तीन, इसको क्या कहेंगे, चार घुटनों की एक्सरसाइज जाइए, पाँच छः घुटने बेंड करेंगे पूरे, सात आठ नौ दस, दूसरी ओर से करेंगे, एक घुटने पूरे हिप के साथ लगाइए, एडी पहले आइए, हिप के साथ लगाइए, हिप के साथ पूरा बेंड करिए, एक और जोर से लगाइए नीचे, जोर से दो ऐसे ऐसे तीन चार, आवाज आई आवाज, पाँच सब क्या करते हो पंजी आगे पीछे भैया क्या डालम पास वहाँ पर आप बता देना, जो की एक्सरसाइज काटनी है, जो काटनी है हमेशा के लिए काट देंगे, फिर आप अपना आराम से बैठे रह करो, घड़ी घड़ी नहीं दिखानी लगाइए छाती के साथ, हाँ खिल खिलाएंगे, हंसिए हंसिए, झूला जलाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, आ जाएंगे वापिस, बस दूसरी ओर से करेंगे, लगाएंगे छाती के साथ, गहरा लंबा श्वास भर के रोकेंगे, भरिए गहरा लंबा, श्वास को जोड़ कर रखिए, तीन हाँ, मेरा नाम जिला राम बांसल है जी। मैं खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ हूँ और पिछले 15-20 साल से योगा की क्लास ले रहा हूँ, योग कराता हूँ रोज गार्डन में, यहीं इसी स्थान पे। तो योग और प्राणायाम जो दोनों चीज़ें हैं ना जी, इससे शरीर के तमाम रोग ठीक होते हैं। 70-80 मेरी 77 आयु है जी। मैं 20-40 दफ़ा पौड़ी चढ़ता हूँ, 30 पौड़ियाँ हैं मेरी ऊपर, मैं ऊपर रहता हूँ और गाड़ी में खुद चलाता हूँ, पहाड़ों पे जाता हूँ। तो योग की बड़ी कृपा होती है, जो लोग योग करते हैं प्राणायाम करते हैं ना जी, तो ये समझिए भी उनकी बुढ़ापा आता ही नहीं, उन पर एजिंग नहीं होती, एजिंग पीछे चली जाती है, भूल जाता है एजिंग को। 40-40 साल के लोग आते हैं मेरे पास, यहाँ प्लाथी नहीं मार सकते, हम आपके सामने देखो प्लाथी मार के बैठे हैं, ये सभी लोग बैठते हैं प्लाथी मार के, ये है योग का कृपा है जी। अगर आप प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम करने से तकरीबन आपकी बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली ओवरहॉलिंग हो जाती है दोनों तरफ से, प्राणायाम और योगा करने से, क्योंकि इसमें सभी सूक्ष्म एक्सरसाइजें हैं, हर एक ऑर्गन की एक्सरसाइज होती है योग और प्राणायाम में।
तो जब प्राणायाम हम लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारा शरीर प्राण के ऊपर टिका हुआ है। हम कहते हैं ना प्राण निकल गए, प्राण निकल गए मीन्स श्वास निकल गए, श्वास मीन्स प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे शरीर को एक नई जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी बात है। हमारे भगवान ने दो नाक लगाई है, बाई नाक और दाहिनी नाक, लेफ्ट। अगर बाई नाक से हम श्वास लेते हैं तो पित्त के रोग खत्म हो जाते हैं, गर्मी के रोग। अगर दाहिनी नाक से श्वास लेते हैं तो वात और कफ के रोग नाश हो जाता है। तो तीनों रोग होते हैं आयुर्वेद में, वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ। अगर आप बाई नाशिका और दाहिनी नाशिका से श्वास लेते हो, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, तो सभी रोग नाश, सभी रोग नाश प्राणायाम कहते हैं अनुलोम विलोम को, क्योंकि दोनों नाशिका का इस्तेमाल होता है उसमें। मुख्य रूप से योग कौन सा करना चाहिए? मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम आदमी जब मर्जी करो, खाना खाने के बाद करो, खड़े होकर करो, बैठ कर करो, लेट कर करो, दिन में करो, दोपहर को करो, शाम को करो, हैं, जिस मर्जी स्थान पर करो, मगर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए वहाँ, मिट्टी धूल ना हो, शुद्ध हवा हो, वायु का आपगन हो, वहाँ आती हो वायु, बस इतनी इतनी सी शर्त है और कोई बात नहीं। बंसल जिला राम बंसल, मैं खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ हूँ वहाँ से, तो 20 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए को, तो 77 मेरी आयु है, तो हाँ हाँ मोबाइल नंबर बता दीजिए 9872800528। वीडियो आई थी, ये उंगलियाँ 1 2 3 1 2 3 1। एक सेकंड में 100 घर में बैठकर लगाया करो, बाल क्लॉक पे किंटों वाली सुई देखकर एक सेकंड। मत करिए स्माइलिंग फेस रखिए, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। इतना बढ़िया वायुमंडल है, इतना बढ़िया मौसम है आज, इसका पूरा आनंद लीजिए। लगभग 100 स्ट्रोक हो गए जी पूरे, 100 स्ट्रोक हो गए। यहाँ ठीक ठाक बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे थे, गाल करिए दौड़ बाल, मौसम बहुत बढ़िया था। आप कितना दिन से योगा कर रहे हैं? एक महीने से। एक महीने में क्या लाभ मिला आपको? बहुत गहरा स्ट्रोक, बहुत बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं, लगाकर स्वाद नहीं लेना, एनर्जी रहती है, जानबूझ कर नहीं लेना, अपने आप स्वाद आएगा, रोशनी के योग छोड़ दीजिए, स्वाद आने के लिए बहुत अच्छा योग का बहुत एक महत्वपूर्ण योग है। पहले सैर करते थे, अब हम डेली योगा करते हैं, एक मास्टर की क्लास लगाते हैं, बहुत अच्छी है। देखिए लुधियाना का नेहरू रोज गार्डन, इलाहाबाद से आए एडवोकेट जी बी गुप्ता जी भी यहाँ योगा करते थे। अपना नाम बताइए। उम्र उम्र 13। अपना नाम बताइए। गोलू। उम्र बताइए। 11 साल। तो देखिए सौरभ और गोलू दोनों जो है ये लोग कुश्ती लड़ेंगे यहाँ पर, जो जीतेगा उसको 24 रुपए। हाँ चलिए, पटक दिया है। एक बार नहीं